नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बीए ने सालों से 2500 रुपए हार लिया था, रकम वापस मांगी, नहीं देने पर मारकर कुएं में फेंका। बीए शहर के सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रानी तालाब के समीप हरिजन बस्ती में हुई हत्या का पुलिस ने दूसरे दिन खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वारदात जुए में हारी रकम वापस पाने को लेकर हुई थी। साले को जान से मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा जीजा है। आरोपी का दावा है कि एकादशी की रात शराब के नशे में जुआ खेल रहे थे, जहां साला 2500 रुपए जुए में जीत गया। जब हारी रकम मैंने वापस मांगी तो वह मुकर गया। ऐसे में फिर एक पाव शराब खरीद कर कुआं के किनारे पिया, दोबारा हारे हुए पैसे मांगे तो नहीं दिया, ऐसे में पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी, इसके बाद सबको कुएं में फेंक दिया। सिंह ने बताया कि सोमवार मंगलवार के दरमियान रात्रि शंकर उर्फ राजा स्वीपर पुत्र राजेश स्वीपर निवासी गुड़ चौराहा की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रमुख संदेही कालिया स्वीपर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, लेकिन वह बार बार बयान बदल रहा था। उसने बताया कि एकादशी का त्योहार होने पर उसने अपने साले शंकर उर्फ राजा स्वीपर एवं अन्य के साथ जुआ खेला और शराब का सेवन भी किया। इसके दौरान मृतक शंकर ने 2500 रुपए जीत लिए थे। इसके बाद दोनों वहाँ से घर गए और एक पाव शराब पी लिए। वापस आकर घटना स्थल में दोनों शराब पीने लगे। इसी दौरान आरोपी कालिया स्वीपर द्वारा मृतक से जुआ में हारे 2500 रुपए वापस मांगे गए। शंकर ने यह राशि देने से मना कर दिया, जिस पर विवाद बढ़ गया और यह घटना हो गई। आरोपी ने वहीं पड़े पत्थर से शंकर के सिर पर प्रहार किया, जिससे बेहोश हो गया, काफी खून बहने लगा। जब आरोपी कालिया स्वीपर ने मृतक के शरीर को हिलाया डुलाया तो कोई हरकत न होने से मृत समझकर सांस छुपाने की नीयत से मृतक को घायल अवस्था में घसीट कर कुएं में फेंक दिया और वहां से वापस घर जाकर चुपचाप सो गया। घटना का आरोपी अद्यतन बदमाश है, जिसके विरुद्ध सिटी कोतवाली में मारपीट एवं गुंडागर्दी के 7 अपराध पूर्व से पंजीबद्ध है। कुछ समय पूर्व आरोपी का भाई संजय गांधी अस्पताल की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर लिया था। उसके बाद आरोपी कालिया स्वीपर मौके पर नशे की हालत में पहुंचकर कर्मचारियों पर चाकू से हमला किया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।